हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज इंडियन रियल लाइफ रियल होम और मैं प्रीति आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुलगुले की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और हेल्दी वे से हम बनाने वाले हैं। जी हाँ, हम ये गुलगुले जो है वो गुड़ से बनाने वाले हैं और बहुत ही टेस्टी ऐसे ये गुलगुले बनकर रेडी होते हैं। एक अलग ही स्टाइल में रेसिपी आपके साथ आज ये शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से बनाते हैं गुलगुले। किसी भी एक कटोरी का हमें नाप यहाँ पर फिक्स कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर ये कटोरी ली है, इस कटोरी के नाप से मैं सभी सामान लेने वाली हूँ। तो आप भी कोई भी आपके पास जो कटोरी है उस कटोरी के नाप से ही सभी सामान लेना है आपको भी। अब हम इस कटोरी के नाप से ही सब सामान लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है, गेहूं का आटा लिया है, डेढ़ कटोरी हमें गेहूं का आटा लेना है। तो ये एक कटोरी डाल दी है और ये आधी कटोरी। उसके बाद हम ये मिक्सिंग बाउल जो है आटा डालकर इसे साइड में रख देंगे। और अब हम और एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, इसमें हम यहाँ पर ये एक कटोरी पानी जो है इसमें का आधा कटोरी हम पानी यूज करने वाले हैं। और आधा कटोरी पानी में हम आधा कटोरी से थोड़ा सा कम यहाँ पर मैंने गुड़ लिया है। तो मीठा आप आपके पसंद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो मैंने आधी कटोरी से थोड़ा सा कम यहाँ पर गुड़ लिया है, ये देसी गुड़ लिया है, जो केमिकल का नहीं होता है वो गुड़ लिया है मैंने। तो ये गुड़ जो है इस पानी में हमें अच्छे से मेल्ट कर लेना है। फिर मेल्ट हो रहा है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक कूटनी ले ली है, इसमें मैं एक इलायची के दाने जो है वो डाल दूंगी और खाने की बड़ी सौंफ जो होती है बड़ी सौंफ वो डाल दूंगी एक चम्मच, छोटा एक चम्मच मैंने यहाँ पर बड़ी सौंफ यूज की है। तो ये हमें हल्का दरदरा सा इस तरह से कूटने में कूट लेना है, तो वो मैं कूट लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये इस तरह से कूट लिया है। अभी हमें इसे और कूटना है। अब हम इसमें एक टेबल स्पून खसखस ऐड कर देंगे और ये अब हम बिल्कुल हल्के से इसे कूट लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर खसखस सौंफ और इलायची अच्छे से कूट ली है, दरदरी सी है हमें इस तरह से कूटनी है। और इन तीनों में से कोई भी एक सामान अगर आपके पास नहीं है तो वो स्किप भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चल जाता है, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या फिर प्लेन भी ये गुलगुले बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये भी कूट लिया है। अब हम गुड़ मेल्ट हुआ है या नहीं वो चेक कर लेंगे। जो है वो बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गया है, देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो जब हम ये यूज करेंगे तब हमें ये छान लेना है गुड़ का पानी। अब हमने जो गेहूं का आटा लिया था वो लेके वो पूरी ऐड कर देंगे। इसी में हम लगभग दो चुटकी नमक ऐड करेंगे, तो नमक से इसमें बहुत ही अच्छी सी टेस्ट आती है। और 1/8 टीस्पून मैंने यहाँ पर खाना सोडा लिया है, जो हम पकौड़े बनाने के लिए यूज करते हैं वो लिया है। तो इससे जो है वो ये गुलगुले जो है बहुत ही अच्छे से फूलेंगे। तो ये मैंने 1/8 टीस्पून लिया है, ये ऐड कर देंगे। और आधा चम्मच मैंने यहाँ पर सोल्ट का पाउडर लिया है, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालें या फिर स्किप भी कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है सोल्ट के पाउडर से, तो इसलिए मैंने यहाँ पर यूज की है। पहले हम जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है इन्हें अच्छे से एक सा कर लेंगे। इन्हें अच्छे से एक सा करने के बाद हम इसमें गुड़ वाला पानी जो है वो छान कर डाल देगी, इसे अच्छे से एक सा कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आधी कटोरी पानी जो है गुड़ मेल्ट करने के लिए लिया था। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका ठीक ऐसा बैटर बना लेंगे। तो अब हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है और इसका बैटर बना लेना है। तो पकौड़े बनाने के लिए हम जो बैटर बनाते हैं उससे थोड़ा सा ये थिक होता है, तो इसीलिए हमें बहुत ही संभल कर पानी डालना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये बैटर बना लिया है। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए, ये देखिए इस तरह से, जैसे कि हम ये गुलगुले जो है वो ऑयल में डीप फ्राई करने के वक्त अच्छे से छोड़ पाए ऑयल में, ऐसी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और इसके लिए मैंने यहाँ पर लगभग 3/4 कटोरी पानी यूज किया है। देखिए मैंने ये लगभग 2 मिनट तक बैटर अच्छे से फेंट लिया है। एक साइड मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, तो ऑयल अच्छे से गरम हो गया है, हल्का सा गरम ऑयल होना चाहिए। और मीडियम फ्लेम पर हमें ये लो टू मीडियम फ्लेम पर ये गुलगुले जो है वो बनाने हैं।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम पहले पानी में हाथ थोड़ा सा गीला कर लेंगे, इस तरह से गीला कर लेना है हमें हाथ को। और फिर हमें एक टीस्पून जितना बैटर लेना है और वो ऑयल में छोड़ देना है कुछ इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने गुलगुले जो है वो अच्छे से ऑयल में डीप फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं। ये गुलगुले इतने हल्के हो जाते हैं कि हम जब ऑयल में ये डीप फ्राई करने के लिए डालते हैं, ये अच्छे से डीप फ्राई होने के बाद अपने आप ही उलट जाते हैं, तो बहुत ही अच्छे से फूल कर डबल हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे से हमारे ये गुलगुले बनकर रेडी होते हैं। तो इस तरह से अब फूल गए हैं अच्छे से। इन्हें हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इस तरह से अब हम चलाते हुए ये गुलगुले जो है वो सेक लेंगे। और इस तरह से मैं सभी ये गुलगुले बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही फटाफट से गर्मा गर्म ऐसे हमारे गुलगुले बनकर रेडी हो गए। बहुत ही आसानी से बनते हैं और हेल्दी बनते हैं क्योंकि हम ये गुड़ में बनाते हैं। तो आप अगर गुड़ की जगह पर चीनी यूज करना चाहते हैं तो चीनी भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हेल्दी ये गुलगुले बनाने के हिसाब से गुड़ यूज किया है, तो आप चीनी भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे ये गुलगुले बनकर रेडी हो जाते हैं, बहुत ही टेस्टी और यमी। एक गुलगुला जो है वो मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये देखिए बहुत ही बढ़िया, इसमें ये देखिए कितनी बढ़िया जाली आई है इसमें। बहुत ही टेस्टी हमारे ये गुलगुले बनकर रेडी होती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल होती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह से नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।